नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुरुवार को पार्टी के एक और विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। मुकेश वर्मा फिरोजाबाद की शकोहाबाद सीट से विधायक हैं। मुकेश वर्मा ने बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों के हित की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ अपना विकास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में जितने बीजेपी के ऑफिस खुले हैं कभी नहीं खुले, इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया। इसके साथ ही वर्मा ने कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। ऐसी चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक बीजेपी से किनारा कर सकते हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़कर हलचल मचा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस सवाल पर कि क्या बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनकी वापसी की मुहिम पर लगाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केशव उनके छोटे भाई हैं, मगर वो खुद भी बीजेपी में बेचारा बनकर समय काट रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने इसके साथ ही कहा कि केशव प्रसाद मौर्य न पिछड़ों के नेता हैं, न समाज के नेता हैं, वो आरएसएस के एक रट्टू तोता हैं। जो भी आरएसएस पढ़ाती है वो कहते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे लाकर नई राजनीति शुरू करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने 125 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें 50 महिलाएं भी हैं। प्रियंका ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर पर महिला उम्मीदवारों के नाम खुद बताए। बता दें, जिन महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस में टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर पर रेप और हत्या का आरोप लगा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका ने अपनी कुछ महिला प्रत्याशियों के साथ हुए अत्याचार और शोषण की कहानी बताने वाला वीडियो भी दिखाया। इसके अलावा कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट देने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो अपना संघर्ष जारी रखना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आएं और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। वहीं राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट कर कहा है कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। शिवसेना नेता संजय राउत आज यूपी के दौरे पर हैं। संजय राउत ने कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यूपी में परिवर्तन हो और परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिमी यूपी जा रहा हूं, वहां किसान नेता राकेश टिकैत से मिलूंगा और जानकारी लूंगा कि वो क्या चाहते हैं। अगर हमें यूपी में लड़ना है तो हमें किसानों का आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने बीजेपी छोड़ने वाले विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा ट्वीट कर लिखा है और कहा, एक और विकेट गिरा यूपी परिवर्तन की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान को यह कहकर आगे बढ़ा दिया है कि जनता ये उनको बताए कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन हो। केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया है और कहा है कि जनता इस नंबर पर व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन करके 17 जनवरी शाम 5 बजे तक बता सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, जिसके बाद जनता की राय पर ही सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जनता से पूछना चाहिए। तिरुपति एयरपोर्ट मैनेजर और तिरुपति के डिप्टी मेयर अभिनय रेड्डी के बीच हुए विवाद का नतीजा ये हुआ कि हवाई अड्डे और कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों को पानी की आपूर्ति में व्यवधान का सामना करना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी मेयर अभिनय रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के विधायक बी करुणाकर रेड्डी के बेटे भी हैं, एयरपोर्ट पर आंध्र प्रदेश के मंत्री का स्वागत करने गए थे, लेकिन इस दौरान उनको एयरपोर्ट के अधिकारियों ने प्रवेश देने से मना कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों और रेड्डी में बहस हुई। बाद में हवाई अड्डे और स्टाफ आवासीय क्वार्टरों में पानी की आपूर्ति काट दी गई। इसे अभिनय रेड्डी द्वारा लिया गया बदला बताया गया। हालांकि नगर निगम ने दावा किया कि पाइपलाइन में रुकावट के कारण पानी की आपूर्ति बाधित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एनसीपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला बोला है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने नड्डा को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में नड्डा द्वारा पंजाब पुलिस को जिम्मेदार मानना और सुरक्षा में चूक को लेकर दबाव बनाना ठीक नहीं है। नड्डा समेत सभी बीजेपी के नेताओं को पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, ना कि उससे पहले ही अपना फैसला दे देना चाहिए। क्या नड्डा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए?
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया है। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं बीते 3 महीनों से उत्तराखंड की सियासत में तैर रही हैं। उपाध्याय की कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की चर्चा और तेज हो गई थी। उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने जारी किया है। देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड के लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपाध्याय बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा करके बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना की चपेट में एक के बाद एक नेता आ रहे हैं। अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके कार्यालय ने ये जानकारी दी है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 247,417 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 194,720 मामले सामने आए थे। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 13.11% जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10.80% हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 46,723, दिल्ली में 27,561 और केरल में 12,742 मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,488 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।